नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सस्ते प्याज बेचने संबंधी आप सरकार के दावे की पोल खुली। दिल्ली में सस्ते दर पर प्याज बेचने के लिए दिल्ली सरकार के दावे की पोल खुल गई है। एक आरटीआई में हुए इस खुलासे को माने तो दिल्ली सरकार ने सस्ते दाम में प्याज खरीदा और बाजार भाव से कम दाम में बेचकर मुनाफा कमाया। दिल्ली सरकार ने 2500 टन प्याज 14 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था। इसकी औसत कीमत 17 रुपए किलो बैठती है, जबकि सस्ता प्याज बेचने का दावा करने वाली सरकार ने इसे 30 रुपए किलो में बेचा है। प्याज खरीद पर आरटीआई लगाने वाले याचिकाकर्ता विवेक गर्ग ने एलजी और एबीसी से दिल्ली सरकार के मंत्रियों, अफसर, विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। दूसरी ओर आप सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर कहा है कि केंद्र ने नासिक से 18 रुपए किलो प्याज खरीद कर हमें 33 रुपए में बेचा है। जनरल वी के सिंह ने कहा, संवाददाता या तो बिक गया है या किसी का मोहरा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने अपने रिटायरमेंट से पहले सेना द्वारा कई गोपनीय दस्तावेजों को नष्ट करने के आरोपों का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अखबार में छपी यह खबर काल्पनिक है। मैंने उसके संवाददाता को 2012 में ही मामले की पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन पूरी बात नहीं छापी गई। उन्होंने कहा कि या तो संवाददाता बिक गया है या फिर किसी और का मोहरा है। अगर ऐसा कुछ होता तो कोर्ट मार्शल में यह बात सामने आती। यदि राष्ट्रीय हित से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों पर अखबार मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाता हूँ। इससे पहले अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से इस संबंध में खबर छापी थी। आतंक की दहशत से हिला एफिल टावर। विश्व भर में चर्चित फ्रांस के एफिल टावर पर रविवार को 3 संदिग्ध व्यक्तियों को एक बड़े बैग के साथ देखा गया। इसके फौरन बाद टावर को आपात स्थिति में बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में घंटों तलाशी अभियान के बाद भी संदिग्ध नजर नहीं आया। तलाशी के बाद इस स्मारक को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। दिल्ली में महिला की डेंगू से मौत, अब तक 22 की मौत। राजधानी में रविवार शाम 36 साल की एक महिला की संदिग्ध डेंगू से मौत होने के कारण इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। जबकि दिल्ली सरकार ने रविवार को दावा किया कि राजधानी में इस रोग से निपटने के लिए व्यवस्था में सुधार हो रहा है। दूसरी ओर मृतक महिला अनिता शर्मा के परिजनों ने उस निजी अस्पताल में चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया है जहाँ पहली बार उनका उपचार किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।